अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके सामने दोबारा लेके आ रही हूँ मुखड्डी हलवा की रेसिपी। पहले जो मुखड्डी हलवा बनाया था उसमें मेरा वॉइस ओवर नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वॉइस ओवर के साथ दोबारा से आपको बताऊं। अच्छा, मेजरमेंट के लिए आपने क्या करना है कि जो ग्लास आप यूज़ करेंगी या कप यूज़ करेंगी उसी को आपने हर चीज़ के लिए मैया करने के लिए आपने रखना है, ठीक है? इसमें मैंने इस ग्लास की 2 कप के करीब सूजी ली है और 1 कप के करीब मैं इसमें चीनी डालूंगी, ठीक है? 2 कप मैंने सूजी ली और 1 कप मैंने एक ग्लास है सॉरी 2 ग्लास सूजी ली और 1 ग्लास भर के मैंने इसमें चीनी की डाली है। ऑयल तकरीबन आधा ग्लास के करीब मैंने ऑयल डाला था। चीनी डाल के मैंने चुटकी चुटकी से ज़रा तेज़, आधी चम्मच आप कह लो, मैंने इलायची पाउडर बीच में डाला था ऑयल के, और उसके साथ हम लोगों ने चीनी को जो है वो पकाना शुरू कर दिया था। चीनी जब बिल्कुल पिघल जाएगी और पिघलने के बाद इसका ऐसे गोल्डन सा कलर आएगा, जला हुआ कलर ना हो, प्लीज़ गोल्डन कलर हो, लाइट गोल्डन कलर हो, डार्क भी ना हो बहुत ज़्यादा, लाइट भी ना, तो आपने इसको ढक के बड़े एहतियात से ना तकरीबन आधा कप इसमें पानी डाल देना है, ठीक है? आधा कप, एक तकरीबन आधा पौना कप इसमें पानी डाल दीजिएगा। 5 से 10 मिनट के लिए उसको ढक के पकने दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन था तो इसमें इतना मसला नहीं हुआ। जब दूसरा अगर आप बर्तन यूज़ करते हैं स्टील का या फिर आप सिल्वर का बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो नीचे काफ़ी हद तक बैठ जाती है ठंडा पानी डालने से। तो फिर आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा वेट करना है, 10-1 मिनट के लिए दम पे रहने दीजिएगा और आराम आराम से उसको चमचे की मदद से उतारिएगा। घबराइएगा नहीं, वो सारी उतर जाती है और बिल्कुल चाशनी बन जाती है। जब चाशनी अच्छी सी बन जाएगी, उसमें बबल्स आने लग जाएंगे, तो ये जो पानी में भिगोई हुई सूजी थी, सूजी आपने पानी में भिगो के रखनी है, ठीक है? उसको साफ़ करके पानी नहीं छोड़ के वो मैंने सूजी डाल दी है। तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें खोपे के पाउडर के डाले हैं, कोकोनट पाउडर जो होते हैं, क्रश नहीं किया फ्रेश कोकोनट को, मैंने कोकोनट पाउडर यूज़ किया, ठीक है? वो इसमें डाल के अब हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। पहले चमचे की मदद से आराम आराम से इसको आहिस्ता से इवनली जो है वो इसको मिक्स करें, ताकि जो है सूजी के अंदर बीच में गुठलियाँ ना बने और खोपरा भी जो है वो अच्छे तरीके से बीच में शामिल हो जाए। पानी में तकरीबन सारी चीनी सूजी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, बिल्कुल पतली होगी पहले, और फिर आपने लकड़ी का चम्मच लेके उसकी मदद से इसको अच्छा सा घोटा लगाना है, ठीक है? अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वो मिक्स करना है, आपने सही तरीके से इसका घोटा लगाते जाना है जब तक कि आपकी सूजी का हलवा जो है वो अच्छे तरीके से, हाँ, नो ऑयल आपके साइड्स पर इस तरह आ जाएगा, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ऑयल डल गया, जबकि बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे ये भुनती जाएगी और इसका कलर चेंज और चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपको आप देखेंगे कि ऑयल जो है ख़त्म हो रहा है। फिर इसको ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं, ताकि नीचे वाला पके ऊपर आता जाए और ऊपर वाला जो है वो दोबारा नीचे जाए और वो पके। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है? ये नरम हलवा नहीं होता। जैसे हम बास सूजी के हलवे पानी के साथ बनाते हैं तो उनका जो टेक्स्चर होता है वो थोड़ा नरम होता है, ये नरम हलवा नहीं है। इसके टेक्सचर को हार्ड होना चाहिए और क्रंची सा होना चाहिए। उसके लिए आपको इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत की भी दरकार है, क्योंकि एंड पे जाके बहुत हार्ड हो जाता है तो उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल है। तो ये है कि लेकिन हो जाता है इजीली। आप इसको ऐसे फैला के और फिर पलटते जाइए, फैला के। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको नॉन स्टिक में बनाएं, क्योंकि नॉन स्टिक में ये बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से उसकी भुनाई होती है और बहुत ही मज़े का वो लगता है। और फिर आप उसको किसी भी पैन में निकाल लीजिए, किशमिश डालना चाहते हैं तो आप किशमिश भी डाल लीजिए, अगर बादाम वगैरह डालना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू, लेकिन मैंने इसको खोपरे में बनाया और खोपरे में इसका जायका बहुत ही कमाल लगता है। शुक्रिया।